क्लास टेंथ के हमारे जितने भी बच्चे एमपी बोर्ड के साइंस का पेपर देने जा रहे हैं, आपका 22 फरवरी के दिन पेपर है, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर देख लीजिए सेट सी अपन पूरा सॉल्यूशन लिखेंगे, सेट ए और बी अपन बता चुके हैं बिल्कुल, आईएमपी एमपी पेपरों की श्रृंखला में अपना सेट सी देखेंगे, प्रैक्टिस पेपर है सारे के सारे, सेट डी ई और एफ 6 पेपर कर लो और मेरी गारंटी है अब की बार 90 पार, ठीक है, 100% गारंटी, हर विषय में मैंने आपको टॉप कराया तो विज्ञान में भी टॉप करा के ही छोड़ूंगा। चलिए शुरू करते हैं, चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर देखो ये आपके पास एक समीकरण दिया गया, अभिक्रिया होगा, है ना, और इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, एक तो ऊष्मा निकल रही है, साथ में दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं, तो यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया भी और ऊष्मा छिपी भी, यानी कि दोनों ही राइट रहेगी। पतले तारों में धातुओं को खींचे जा सकने की जो क्षमता है उसे अपन तन्यता कहते हैं। मास्टर ग्रंथि का नाम है क्या है, पीयूष ग्रंथि। इनमें से कौन सा मैथुन द्वारा फैलने वाला यौन जनित वाला रोग नहीं है, हिपेटाइटिस। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः यह दर्पण है या तो समतल है या उत्तल है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए लेंस प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस। यहां से आप बढ़िया से कंप्लीट करिएगा, ये इतना हो गया है और ये पांचवा, ये छठा रहने वाला है, रिक्त स्थान है ये यहां पर, ठीक है भैया। अब देखिए रिक्त स्थान है, क्षारक लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। शरीर में उपस्थित अपशिष्ट हानिकारक तथा विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का जो प्रक्रम है वो कहलाता है आपका उत्सर्जन। अनैच्छिक क्रियाएं मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है, मनुष्य के में व्रसन व्रसन कोष में पाए जाते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होने वाले लक्षण अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। अवतल लेंस है और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव छोटा और सीधा बनता है, हो गया। यहां से अपन इसको ध्यान से देखेंगे ये, ठीक है। अगला है आपका यहां से जोड़ी है, ठीक है भैया, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, सारे के सारे क्वेश्चन आपके फंस रहेंगे और 100% जून बच्चों को ऐसा लगता ना नहीं आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, परीक्षा हाल से परीक्षा हाल में से आ जाओ, उसके बाद मिलान कर लेंगे ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना, चलो कोई बात नहीं, नहीं है भरोसा तो नहीं है भरोसा तो मत देखो वीडियो, जरूरत भी नहीं मेरे को आपके, ना जिनको भरोसा उन बच्चों के लिए मैं तो वीडियो बनाता हूँ। मेंढक का जाएगा मांसाहारी, हीरे का जाएगा कार्बन का प्रूफ, स्वापोषी पोषण का जाएगा हरे पौधे, नर युग्मक का जाएगा शुक्राणु, विद्युत सामर्थ्य का जो मात्रक है किलोवाट, कार्क स्क्रू का नियम आ जाएगा मैक्सवेल, हो गया। ये यहाँ से देखो ध्यान से, हो गया। अब एक वाक्य में उत्तर, दो विलयनों के मिलने पर एक अविलय पदार्थ बनता है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अपन अवक्षेपण। कौन सी धातु आसानी से संचरित नहीं होती, सोना गोल्ड। एक पादप हार्मोन्स का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है, ऑक्सिन। मानव में अंडानुजनन की क्रिया कहाँ होती है, अंडाशय में। लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र को क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र कहते हैं और क्या कहते हैं। किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर है, फोकस दूरी एफ है, इसमें संबंध क्या जाएगा, एफ बराबरी पे आर बाई टू, हो गया। ये यहां से इसके बाद में ये यहां पर देखेंगे सत्य असत्य देखते हैं, यहां पर ये आपके सत्य सत्य बढ़िया से कंप्लीट कर लोगे आप, है ना, इसके बाद में यहां पर है, ठीक है, बढ़िया से कंप्लीट करो भैया, है ना। आप तो यहां से देखो महत्वपूर्ण सूचना हुआ था, इस तरह आपको इसको इंस्टॉल करना है ना, और इस पे ये अपना चैनल है, ये है ना, इसको फॉलो कर लीजिएगा, अब इशारा समझ जाओ, समझदार आदमी इशारा काफी है ना। चलिए अब समझो तो समझ जाओ, कोई बात नहीं। अपघटन या वियोजन से आप क्या समझते हैं, श्वसन को ऊष्मा छिपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, हो गया भैया। ये यहां से जाएगा संचारण को परिभाषित कीजिएगा, धातुओं के दो भौतिक गुण 100% आ रहे हैं भैया, बार बार कह रहा हूं, जिनको भरोसा नहीं कोई दिक्कत नहीं मत करो, जिनको है कर लो, ठीक है। मैंने आपको चार पेपर दिए ए बी सी डी, बस चार ही में से आएगा, ये करने की जरूरत नहीं, आपकी बार चार ही में से खत्म करो पूरा। ऋतु स्त्राव या रजोधर्म किसे कहते हैं, स्वपरागन और परपरागन में अंतर, मिलान कर लो, ये आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो कर लो कंप्लीट। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या हो गया, आवर्धन किसे कहते हैं, हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, गोली दर्पण की फोकस दूरी को परिभाषित करना है। उत्तल दर्पण का उपयोग विद्युत परिपथ में उपयोगी कोई चार अवयवों के प्रतीक बताइएगा। विद्युत विभव किसे कहते हैं, इसका मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के गुण लिखेगा। गैल्वेनोमीटर को परिभाषित कीजिए। विद्युत चुंबक क्या होती है, विद्युत धारा के परिपथों में उपयोग लाते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए।
जैव और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या होते हैं, उपभोक्ता किन्हें कहते हैं, उदाहरण सहित आपको बताना है। समावयी और समावयवता से आप क्या समझते हैं, योग्य है। हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग समझाइएगा। संयोजन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण सहित, ये क्वेश्चन नंबर 19 आपका देख सकते हैं। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखो ध्यान से, व्याख्या कीजिए, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। मानव नेत्र का नामांकित चित्र आपको बताना है, हो गया भैया। इसके बाद में लवण किसे कहते हैं, ये हो गया है। किन्हीं चार लवणों के नाम और सूत्र आपको बताना है, हो गया भैया। साइक्लोपेंटेन का सूत्र इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी, सल्फर के 8 परमाणुओं से बने इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है आपको, श्वसन तंत्र का, उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बताना है। तो ये तो पेपर हो गया पूरा, है ना। चलिए ठीक है, सॉल्यूशन आपको यदि आता है तो ठीक है, नहीं आता तो मैं अभी दे रहा हूँ। उनमें जो क्वेश्चन नहीं आते उनका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी, है ना। चलिए तो यहाँ से देखिए, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, हो गया इतना ये। इसके बाद में ये हो जाएगा, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। ये संचारण को परिभाषित कीजिए, संचारण के सुरक्षा के दो तरीके बताने हैं। यहाँ से देख सकते हैं, यसद लेपन और क्रोमियम लेपन, हो गया। इसके बाद में धातुओं के भौतिक गुण लिखिएगा। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, इतना हो गया ये। इसके बाद में मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिएगा, यहाँ क्यों आवश्यक है। ऋतु स्राव या रजोधर्म किसे कहते हैं, हो गया। स्वपरागण और परपरागण में अंतर बताना है, ये हो गया इतना। ये प्रभावी और अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं, यहां से देख सकते हैं। गुणसूत्र किसे कहते हैं, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर की, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, ये हो गया इतना। यहाँ से देख सकते हैं, आवर्धन, आवर्धन किसे कहते हैं, यही रेखीय आवर्धन है, ठीक है। कोई पूछ ले रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, तो यही है। गोली दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण के उपयोग, जल्दी देखते जाओ फटाफट। अरे यार तू क्यों फालतू तो टाइम बर्बाद कर रहा है। और ये यहाँ से देखो, परिपथ के चार अवयव, इतना हो गया ये। विद्युत विभव किसे कहते हैं, इसका मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, गैल्वेनोमीटर को परिभाषित कीजिएगा। विद्युत चुंबक क्या होती है, विद्युत धारा परिपथों को उपयोग में आते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। जैव और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या होते हैं, उदाहरण दीजिएगा। यहाँ से उपभोक्ता किन्हें कहते हैं, ठीक है। समावयवी और समावयवता से आप क्या समझते हैं, हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग। संयोजन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया को समझाइएगा उदाहरण सहित, ये रेडॉक्स अभिक्रिया हो गया। विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर हो गया। तीन हार्मोन्स में प्रत्येक का कार्य लिखिएगा निम्न हार्मोन्स में से, वृद्धि हार्मोन से टेस्टोस्टेरोन, हो गया इतना। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र, व्याख्या कीजिए, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत हो दिखाई देता है। मानव नेत्र का नामांकित चित्र बताना है। लवण किसे कहते हैं, किन्हीं चार लवणों के नाम एवं सूत्र लिखिए, ये हो गया। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तनों में क्यों रखा जाना चाहिए,
प्लास्टर ऑफ पेरिस के जल के साथ अभिक्रिया समीकरण हो गया ये। साइक्लोपेंटेन की बिंदु संरचना ये हो गया इतना भी। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं तो सल्फर के 8 परमाणु का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ये। मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बताना है आपको भैयू। मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बताना है, ये हो गया इतना ठीक है। ये पूरे का पूरा मैंने आपको बता दिया है ना पेपर, ठीक है भैया। आप तो बढ़िया से तैयारी करिए, मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन बताए, कोई रियल नहीं, इतना तो सब जानते हैं यूट्यूब पर कोई रियल पेपर नहीं देते हैं, है ना बेटा। रियल पेपर है भी नहीं किसी के पास, लेकिन सब अपनी तिकड़म लगाते हैं जो मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट वहाँ कोई सी भी चीज़ आती है।